हाय एवरीवन, जय हिंद। दिस इज सौमित्र चौधरी। तो आज मैं एक बहुत ही कंफ्यूजिंग सवाल का जवाब देने वाला हूँ। काफी बार मुझे क्लास में पूछते रहते हो कि सर कौन सा सीएपीएफ बेटर है, कौन सा सीएपीएफ हमें जाना चाहिए, हमें समझ में नहीं आ रहा। तो बस इस छोटे से सेशन को देख लीजिए, ठीक है? एंड जरूर से इस सेशन को देख के अपने दोस्तों को भी बताइएगा ताकि सबके डाउट्स क्लियर हो जाए कि भाई कौन सा फोर्स कैसा है, उसके बारे में आपको प्योर इंसाइट मिल जाए। तो आइए हम सेशन की शुरुआत करते हैं। मैं कुछ सर्टेन पैरामीटर्स में कंपेयर करूंगा। ओके, आई वुड बी कंपेयरिंग द फोर्सेस इन सर्टेन पैरामीटर्स, ठीक है? आइए हम उन पैरामीटर्स को सबसे पहले समझते हैं। पावर के सेंस में अगर मैं बोलूं, ठीक है, पावर के सेंस में मैं बेसिकली सारे, मतलब जो मेन मेन सीएपीएफ को कंपेयर कर रहा हूँ, फिर मैं सारे सीएपीएफ इसमें आईटीबीपी और एसएसबी भी बताऊंगा। पावर के सेंस में अगर मैं बताऊं कि इंडिविजुअल पावर, सीआरपीएफ का एसी सबसे ज्यादा पावरफुल होता है। क्यों? क्योंकि सीआरपीएफ आप देखोगे जनरली जंगल्स में रहते हैं, ठीक है? उनमें कोई सीनियर ऑफिसर उनके एरिया में नहीं रहते, तो ये बंदा जो एसी रहता है सीआरपीएफ का, ये 130 बंदों को कमांड करता है। जो सीओ वगैरह रहते हैं, टूआईसी रहते हैं, दूर रहते, तो यही वहां का सर्वे सर्वा रहता है। तो जो लेवल ऑफ ऑटोनॉमी एसी को मिलती है सीआरपीएफ को किसी में नहीं मिलती। फिर बीएसएफ, आईटीबीपी और एसएसबी में इक्वल रहता है। क्यों इन तीनों में इक्वल रहता है? क्योंकि बॉर्डर गार्डिंग फोर्सेस में इक्वल ही रहता है। और सबसे कम ऑटोनॉमी पावर वाइज देखो सीआईएसएफ, क्योंकि यार देखो लिमिटेड एरिया रहता है, और जहां पे भी असिस्टेंट कमांडेंट रहता है वहां पे कमांडेंट भी रहता है, तो यार ऑब्वियसली कमांडेंट के आगे एसी की नहीं चलती। दूसरे डायमेंशन में बोलो फैमिली लाइफ, देखो सीआईएसएफ का कोई तोड़ ही नहीं है फैमिली लाइफ में, इसलिए 95% लोग सीआईएसएफ लेना चाहते हैं। क्योंकि इनिशियली कुछ टाइम आगे पीछे रहना पड़ता है, बट सीआईएसएफ में अगर आपको मार धाड़ से दूर रहना है, फैमिली के साथ रहना है, या आपको पीसफुल वे में रहना है, ज्यादा कॉम्बैक नहीं चाहिए, तो सीआईएसएफ इज द फोर्स फॉर यू। इसलिए सारे सिविल सर्विसेज के एस्पिरेंट्स यहाँ भागते हैं। फिर सीआईएसएफ के बाद आ जाता है एसएसबी, फिर आ जाएगा आईटीबीपी, फिर बीएसएफ एंड सीआरपीएफ। सीआरपीएफ में सबसे मिनिमम फैमिली लाइफ रहती है, इनिशियली 5 से 7 साल, बट वंस यू आर प्रोमोटेड टू डीसी तो आप बॉर्डर फोर्सेस से, बॉर्डर से पीछे हटने लग जाते हैं और रिलेटिवली आपकी लाइफ बेटर हो जाती है फैमिली लाइफ। वैसे जो अलग रह के बैचलर लाइफ में अलग से रह के आप कंपनी को कमांड कर रहे हैं कमीज में, उसका अलग रोल आ रहता है, ठीक है? अब मैं बात करता हूँ इंफ्रास्ट्रक्चर। तो भाई बीएसएफ और आईटीबीपी का इंफ्रास्ट्रक्चर का तोड़ नहीं है, इवन बीएसएफ का बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर है, जैसे कि व्हीकल्स, मेसिंग, एकोमोडेशन फैसिलिटीज, बेस्ट बीएसएफ। मैंने खुद बीएसएफ पे सर्व किया, मैं आपको बता रहा हूँ कि कई जगह आर्मी को भी तो पीछे छोड़ देती है। बीएसएफ का खुद का इकलौती ऐसी फोर्स है सीएपीएफ जिसका खुद का एयर विंग है, जिसका खुद का वाटर विंग है, ठीक है? वो सीआरपीएफ, सीएसएस और बीएसएफ के हेलीकॉप्टर्स भी चलते हैं चौकस में। हालांकि रिसेंटली आईटीबीपी भी डिमांड कर रही है, तो चाइना के प्रेशर में शायद दे सकती है, ठीक है? फिर सीआरपीएफ का है, ठीक है, सीआईएसएफ, और उसके बाद सबसे मतलब जो नया इंफ्रास्ट्रक्चर एसएसबी। एसएसबी स्टेट पुलिस के ऊपर डिपेंडेंट रहती है, नई फोर्स है तो अभी टाइम लगेगा। सीआईएसएफ का खुद का कुछ नहीं रहता। सीआईएसएफ जैसे कि फॉर एग्जांपल इसरो को सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रही है, तो इसरो ही इंफ्रास्ट्रक्चर के मतलब जो एस्पेक्ट्स को वो सीआईएसएफ के देखेगा, ठीक है जी? तो ये आपको एक समझ में आ गया होगा। इस पावर आप, अब आपको देखना चाहिए कि आपको अपने लाइफ से क्या चाहिए, ठीक है? कुछ और डोमेन्स पे मैं कंपैरिजन कर देता हूँ, ठीक है? सबसे पहली चीज जो ऑब्वियसली सब लोग जानना चाहते हैं, प्रोमोशन। देखो प्रोमोशन आईटीबीपी और एसएसबी में सबसे फास्ट है। बंदा एसी टू डीसी बन जाता है 4 साल में, 4 से 5 साल में, क्योंकि नई फोर्स है, आईटीबीपी के नए बटालियंस बने, एक्सपैंड हो रहे, तो आईटीबीपी का और फास्ट होने वाला है। फिर सीआईएसएफ के प्रोमोशंस हैं, 6 से 7 साल लगते हैं एसी टू डीसी बनने में। फिर आ जाओगे सीआरपीएफ, सीआरपीएफ के प्रोमोशंस थोड़े स्लो हैं, 60 से 8 साल लगते हैं, ठीक है, एसी टू डीसी बनने में। और सबसे ज्यादा स्टैग्नेशन आज की डेट में बीएसएफ में, तो मोर देन 8 to 9 ईयर्स लग जाता है एसी टू डीसी बनने में। अब देखो ये सिचुएशन कभी भी रिवर्स हो सकती है, ऐसा नहीं है कि ये हमेशा चलता ही रहेगा। कभी भी हो सकता है कि पाकिस्तान बॉर्डर में देखते होते बीएसएफ के और बटालियन बने, बीएसएफ में धनाधन धनाधन प्रोमोशन होने लगे, पर अभी आने वाले 5 से 7 साल ये वाली चीज है, तो एक ये भी एस्पेक्ट रहती है, ठीक है? ड्यूरेशन ऑफ पोस्टिंग, ठीक है, ड्यूरेशन ऑफ पोस्टिंग क्या क्या है?
मतलब कौन सी फोर्स सबसे लंबे टाइम तक एक जगह रहती है? तो देखो CISF 4 से 6 साल बंदा एक ही जगह रहता है, तो इसमें रिलेटिवली सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी रहती है। फिर ITBP, SSB और BSF, बॉर्डर गार्डिंग फोर्सेस बराबर ही होती है। और सबसे ज्यादा जो इधर से उधर दौड़ने वाली फोर्सेस, मतलब एक जगह जो टिकती नहीं है, कभी इलेक्शन ड्यूटी करानी है, कभी इंटरनल, कभी नक्सल एरिया, सबसे पहले फर्स्ट लाइन ऑफ एक्शन स्टेट पुलिस को असिस्ट करना है, कई JNK और CRPF रहती है। तो मैंने एक नटशेल में आपको 5 से 6 चीजें बता दी कि कौन कौन से डायमेंशन में आप इन चीजों को चूज कर सकते हो, ठीक है। अब आप देखिए आपको लाइफ में क्या चाहिए, जो चीज आपको सबसे ज्यादा अट्रैक्ट करती है आप उसको अपने प्रेफरेंस भरिएगा, और जो चीज आपको लगता है कि भाई ये मेरे लिस्ट इंपॉर्टेंट है वो आपको ले, वो कम में बोल सकते हैं। आई एम सेइंग सारे फोर्सेस आर इक्वली गुड, इट डिपेंड्स ऑन योर परसेप्शन कि आपको लाइफ से क्या चाहिए। होपफुली आई हैव क्लियर द एस्पेक्ट्स। थैंक यू सो मच। जय हिंद।